नमस्कार आप देख रहे हैं आर टीवी, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं खबर आ रही है कि वीर चक्र से सम्मानित किए जाएंगे विंग कमांडर अभिनंदन जी हां विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को सम्मानित किया जाएगा वीर चक्र से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह सम्मान उन्हें दिया जाएगा अभिनंदन ने पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन विमान को मार गिराया था आपको बता दें किस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पाक पाकिस्तान के इलाके में जा गिरे थे और किस तरह से भारत ने मुहिम चलाई थी उन्हें वापस लाने की और जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाक के ऊपर था हालांकि पाक ने यह दिखाने की जरूर कोशिश की थी कि वो खुद आगे बढ़कर विंग कमांडर को भारत को सौंपने को तैयार हो गया है लेकिन भारत ने जो उस वक्त डिप्लोमेसी अपनाई थी उसका ही नतीजा है कि विंग कमांडर वापस आए और उसके बाद अब ये सरकार का फैसला है कि विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो वीर चक्र से सम्मानित किए जाएंगे स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं जी हाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है और कमर्शियल वाहन की एंट्री पर भी दिल्ली में रोक लगा दी गई है कई राज्यों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है दिल्ली समेत कई राज्य जो हैं वो हाई अलर्ट पर है आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं अहम खबर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली जो है किले में तब्दील हो चुकी है वहीं पूरे देश में कई राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर इस वक्त नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर में हालात को देखते हुए आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और पैनी नज़र सुरक्षा व्यवस्था की है तो हाई अलर्ट पर दिल्ली समेत कई राज्य हैं इस वक्त और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है पुलिस का पहरा है वहीं सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहना है पुंछ के एसएसपी का चलिए ये आपको सुनाते हैं 15 अगस्त को लेकर के हमने एक सिक्योरिटी का बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया हुआ है उस कॉम्प्रीहेंसिव प्लान में हमारी बॉर्डर ग्रिड जो है वो इंक्लूडेड है बॉर्डर पे आर्मी के साथ साथ पुलिस जो है वो कोई भी ऐसा निफेरियस जो डिज़ाइन है उसको ख़त्म करेगी और हमारी जो चौकसी है बॉर्डरों पर वो बिल्कुल दुरुस्त है उसके साथ साथ जो हिंटरलैंड में हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसमें हमने अपनी पेट्रोलिंग क्यूआरटीज, नाइट डोमिनेशंस ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इनक्रीज़ कर दी है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हिदायत दी है जी हां बयान जारी किया है सभी सरपंचों को हिदायत दी गई है बात कही गई है सत्यपाल मलिक द्वारा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएं इस दौरान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की है साथ ही साथ उनका कहना है कि सभी सरपंचों को यह हिदायत देते हुए कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाए वहीं लखनऊ में पंद्रह अगस्त को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संदीप खेर ने आइए सुनते हैं स्वतंत्रता तो दिवस की तैयारियों को देखते हुए इस बार हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं आपको विधानसभा दिखाई दे रहा है जहां पे तैयारियों का पूरा जायज़ा लिया जा रहा है हर एक जगह पर पुलिसकर्मी मौजूद है आप देख सकते हैं कि विधानसभा को तिरंगे झंडों से पूरा सजा दिया गया है लखनऊ कानपुर सहारनपुर हर एक जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है पुलिस हर जगह अपना गश्त लगा रही है किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए मेट्रो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट हर जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है क्योंकि जिस तरह से धारा 370 को ख़त्म किया गया है कहीं ना कहीं से उससे किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए इस कारण पुलिस अपने सारे बंदोबस्त का इंतज़ाम किए हैं कि, कि किसी भी तरह की कोई अराजकता पंद्रह अगस्त के मौके पर ना होने पाए अब देखना यह है कि पंद्रह अगस्त के दिन किस तरह की तैयारियां होती हैं क्योंकि विधानसभा के सामने बहुत अच्छी झांकी निकलती है जिसमें काफ़ी लोग शरीक होते हैं स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से मनाते हैं संदीप के कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ आर नाई लखनऊ और चलिए बात करेंगे सरकार के रिपोर्ट कार्ड की जी हाँ मोदी सरकार ने 75 दिन के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 75 दिन पूरे होने पर कामकाज को शानदार बताया है और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं एक एजेंसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से लेकर चंद्रयान टू की बात हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन से लेकर मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्त कराना हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है ये सरकार की स्पष्ट नीति और सही दिशा का परिणाम है और चलिए बात करते हैं राज्यसभा उपचुनाव की डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं लेकिन अब जो खबर आ रही है कि बीजेपी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वॉकओवर देगी बीजेपी ने फैसला किया है कि राजस्थान से राज्यसभा के कैंडिडेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी रुक करते हैं अगली खबर का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई पर तंज कसा है तंज कसते हुए रंजन गोगोई ने कहा है कि जब राजनीति से जुड़ा कोई मामला नहीं होता तो सीबीआई जो है वो अच्छा काम करती है। लेकिन राजनीति से जुड़े संवेदनशील मामले में उनकी पड़ताल न्यायिक जांच के मानकों को पूरा नहीं कर पाती है एक हाई प्रोफाइल मामलों में दोषी को सजा दिलाने में नाकाम रहने को लेकर भी सी ने सी को जमकर घेरा सीजीआई ने कहा कि सीबीआई की अपनी एक खास जगह है लेकिन उनकी नाकामी ने ध्यान ज्यादा खींचा है चीफ जस्टिस ने सीबीआई में असमानता को लेकर भी चिंता जताई है और बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के बहादुरगढ़ से आ रही है जहां यहां पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया है रेलवे ट्रैक से 300 मीटर दूरी पर किसान जो है वो धरने पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोकने का ऐलान किया है किसानों ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है मुआवजा बढ़ाने समेत किसानों की कुल 25 मांगे हैं जिनको लेकर किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक से करीब 300 मीटर की दूरी पर धरने पर बैठे हैं किसान और पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रोकने का ऐलान किया है हरियाणा के बहादुरगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किसानों ने अपनी मांग को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया हालांकि भारी पुलिस बल तैनात है मौके पर और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रूस दौरे से वापस आ चुके हैं अपने दो दिवसीय रूस दौरे को मनोहर लाल ने सफल बताया उन्होंने कहा कि काफी क्षेत्रों में रूस द्वारा भारत में निवेश की संभावनाएं बनी हैं और भारत की ओर से रूस में भी काफी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं दोनों देशों के मध्य व्यापार की भी अपार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि तेल और गैस क्षेत्र में कई एमओयू साइन किए गए हैं और अगले महीने पीएम मोदी भी रूस जाएंगे जिसकी तैयारी कर ली गई है आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में चार मुख्यमंत्रियों का डेलीगेशन रूस गया था महीने ही प्रधानमंत्री जी का रूस का दौरा है और अपने देश के चार मुख्यमंत्री उनका एक डेलीगेशन और देश के लगभग 140 लोग और थे जो विभिन्न कंपनियों से संबंधित रखते हैं उनके साथ उस टूर के पूर्व तैयारी के नाते से हम लोग गए थे श्री पीयूष गोयल जी जो केंद्र के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में यह टेलीविशन गया था दो दिवस का ये कार्यक्रम हुआ वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भेंट हुई और वहाँ के जितने अलग अलग रीजन हैं उन रीजन्स के जो गवर्नर्स थे उनके साथ भेंट हुई कुछ एम भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि रशिया के लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि भारत के साथ अपने जो वाणिज्यिक संबंध और इन्वेस्टमेंट के संबंध अगली खबर कुशीनगर से है कुशीनगर में बीएसए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष के नेता नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेता ने ही लगाया है आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय दुबे ने आरोप लगाया है सीएम को पत्र लिखकर बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं सांसद विजय दुबे ने सांसद विजय दुबे ने बी अरुण कुमार पर प्रबंधकीय विद्यालय में धन उगाही करके नियुक्ति करने विद्यालय की मान्यता के लिए लगने वाले सरकारी ड्राफ्ट को व्यक्तिगत खाते में जमा करने और विद्यालय में बिजली वायरिंग मानक के विपरीत चहेती फॉर्म से काम करने सहित बिंदुओं पर शिकायत दर्ज की है जिसके बाद डीएम ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है अगली खबर जो है उत्तराखंड से जुड़ी हुई है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश को बीसीसीआई से मान्यता मिलने पर खुशी जाहिर की है उन्होंने कहा है कि इससे राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं का भविष्य बेहतर होगा उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ी और खेल लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए दूसरे राज्य की ओर नहीं जाना पड़ेगा मान्यता मिलने से राज्य को एक नई पहचान भी मिली है इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही दीजिए इजाजत आप देखते रहिए आर नाइन टीवी नमस्कार